हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी वेबसाइट के बारे में, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है या खो गया है तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, मतलब सेफ्टी पॉइंट, सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपको लोकल पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है अवेलेबल जो कि हम कर सकते हैं। हम उस फ़ोन का जो हमारा लॉस चोरी हो गया है, उस फ़ोन का जो IME नंबर होता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर वो फ़ोन कुछ टाइम के बाद मिल गया है या रिकवर हो गया है तो हम उसको अनब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं इजीली। और तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई हम सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो हम उसका IME नंबर चेक करके ये चेक कर सकते हैं कि वो जो मोबाइल फ़ोन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो पहली चीज़, हमको ब्लॉक अगर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज में जाएंगे, तो एक सेकेंड, ये तो ये वाला पेज आपको खुल के आएगा, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉक। आपका जो चोरी मोबाइल हो चुका है आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी है, उसके बाद जो ये आपका जो IME नंबर होगा ये आपका ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो फ़ोन चाहे वो दूसरा सिम यूज़ करे वो मोबाइल चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी, लाइक मोबाइल नंबर, जो कि रेड स्टार है आपको भरनी ही भरनी है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल नंबर हुआ, आपको कहाँ पर आपका मोबाइल गुम हुआ है, चोरी हुआ है, डेट क्या है, ठीक है, डिवाइस, और ये आपका IME नंबर भी आप डालना है आपको यहाँ पर, डिवाइस का ब्रांड कौन सा है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, और हाँ पुलिस कंप्लेन नंबर आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है। और उसकी प्रूफ भी डालना होगा यहाँ पे, आपको अपलोड करनी होगी उसकी इमेज, और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, और जो मोबाइल ओनर है उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर, मोबाइल ओनर का नेम, एड्रेस, और उसकी आइडेंटिटी लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, और उसका प्रूफ, और उसका जो भी नंबर रहेगा, अगर आप आधार कार्ड तो आधार कार्ड का नंबर, और आप ये सब डिटेल फिल करके सबमिट कर दोगे, आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, वो आप रेफरेंस के लिए रख लेना, ठीक है। अगर आपका फ़ोन रिकवर होता है तो वो रिक्वेस्ट नंबर आप यूज़ करके रिक्वेस्ट आईडी को आप यहाँ डाल के आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस है क्या, ठीक है। और आप उसी से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं अनब्लॉक करने के लिए जाऊँगा तो ये रिक्वेस्ट आईडी, मोबाइल नंबर और रीज़न पूछेगा कि भाई ये रिकवर हो चुका है बाई पुलिस और या मुझे खुद मिला है, या ब्लॉक बाई मिस्टेक और अदर रीज़न, ये आपको रीज़न भी पूछता है। तो ये फिर उस पर्टिकुलर IME नंबर को अनब्लॉक कर देगा। सो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ये नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल ख़रीदते हैं, न्यू मोबाइल ख़रीदते हैं तो बॉक्स के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, नहीं अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मोबाइल में सिंपली *#06# प्रेस करेंगे तो आपको ये IME नंबर मिलेगा, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं। इसका प्ले स्टोर में ऐप भी है, नहीं तो आप पोर्टल के थ्रू, आप अगर ऐप इंस्टॉल नहीं करना है तो पोर्टल के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। पोर्टल पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, ये आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, आपको OTP, उसके बाद आपको ये IME नंबर डालने के लिए बोलेगा और आपको फिर ये बताएगा कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। तो इस तरह से आप, मतलब आप एक जानकारी होना आज के टाइम में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, ये तो आई गेस ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो पर्पस यही था कि अवेयरनेस जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, अगर हमें चीज़ें पता होंगी तो हम स्मार्टफोन यूज़र के साथ स्मार्ट यूज़र बन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट या कुछ भी सजेशन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। सो
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।